आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडो चाइनीज रेसिपी यानी कि सोया चिली चॉप की रेसिपी। ये देखिए ये जो होती है चॉप्स मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये मैंने 5 से 6 पीस लिए और ये मैदे का घोल बनाया है। आधा कप मैदा लिया और 1 कप पानी डाल के इसमें नमक और काली मिर्च डाल के इसका घोल बना लिया। और इसके अलावा 2 छोटी शिमला मिर्च लिए जो मैंने डाइस में काट लिए और ये प्याज बड़ा लिया ये भी डाइस में काट लिए। 1 गाजर लिए लंबी लंबी काट ली, 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन 8 से 10 चवे लहसुन बारीक काट के ले लिए। और बाकी हम सॉसेज डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, चॉप्स को फ्राई करेंगे। तो हमने तेल गरम कर दिया, हाई फ्लेम पे पहले हम रखेंगे। तो उसके बाद हम इसको मीडियम करेंगे। हमें इसको ओवरलोडेड करके फ्राई नहीं करना, 2 से 3 आवर डाल सकते हैं। और इसको हम हाई फ्लेम में इसलिए करते हैं कि इसमें थोड़ा पानी होता है, तो जब तक ये पानी सूख जाएगा और ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, तब हम इसको निकाल लेंगे। फिर मैं आपको तीन में कलर आ चुका है यानी कि 5-7 मिनट हो गए हैं इसको, हमने दोनों साइड में इसको फ्राई कर लिया। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमारी ये फ्राई करके हमने निकाल लिए, ये वाली चॉप्स फ्राई होती है, मैं आपको काटना बता देती हूँ इसको। ये देखिए ये आप अपने अकॉर्डिंग टू जैसे आप जाते हैं वैसे काट सकते हैं, साइज में छोटी बड़ी। मैं फाइनली ये फ्राई करके चॉप्स अपनी और काट लिए कैंची से, इतने इतने पीस काट लिए और इनकी ये इजीली निकल जाती है जो स्टिक्स होती है आफ्टर फ्राई करने के बाद। तो आप इसको पहले फ्राई कर लीजिए फिर काटिए, ये तो फिर बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो ये तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हमने तेल निकाल दिया, सिर्फ 2 चम्मच तेल रखा है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब्जी है वो इसमें डालेंगे। पहले हम लहसुन डालेंगे, फिर हम प्याज डालते हैं इसमें और हरी मिर्च हैं 2 प्लेट की और 1 गाजर। शिमला मिर्च हम थोड़ी बाद में डालेंगे, पहले इनको छोटे कर लेते हैं। जो प्याज और ये गाजर है तेल डाल के इसको छोटे करना है हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देते, काजू टू टेस्ट यानी 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच और इनको थोड़ा सा कर लेते। इसमें ये जो अपनी फ्राई करने के लिए 4 सी सोया वो डाल देते, इनको थोड़ा सा बिक कर लेते। हम इसमें केचप डालेंगे 2 छोटे चम्मच, टमाटर सॉस सोया सॉस 1/4 चम्मच, इसमें थोड़ी सी सैजवान चटनी होती है जो मार्केट में मिलती है वो डालेंगे। अगर आपके पास सोया चिल्ली सॉस हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे 1/4 चम्मच। हमने इसमें चिली सॉस सोया सॉस और वो सैजवान चटनी डाल दी है और विनेगर भी डाल दिया, टमाटो केचप भी डाल दिया। तो हम कॉर्नफ्लोर का घोल नहीं डाले लेकिन मैं 1/2 कप इसमें पानी डालेंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गए। और आँच इसको हम तेज कर देते हैं और इसको ढक के 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये सारे मिल जाए मसाले इसमें। 5 मिनट के बाद मैं फाइनली आपको दिखाऊंगा। हमारी सोया चिली चॉप बनकर तैयार हो चुकी है और गैस हम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। सोया चिली चॉप बनकर तैयार है, जस्ट लाइक मार्केट की तरह बनी है, कोई नहीं कह सकता घर में बनाई है। तो अब आप इसके ऊपर थोड़े से ग्रीन प्याज के स्प्रिंग ऑनियन के डाल सकते हैं और ये देखिए गर्मा गर्म एज ए स्नैक्स आप इसको सर्व कीजिए। और बड़े इजी और जल्दी बनने वाली और नई तरह की डिश है, इंडो चाइनीज डिश बन के तैयार है, बनाइए खाइए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।